फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, और वो इन्फॉर्मेशन आपका सीबीटी 2 के रिगार्डिंग है कि सीबीटी 2 एग्ज़ाम के बारे में बहुत लोग जानना चाहते थे कि इसका सिलेबस क्या है और इसको कैसे तैयारी करना है, इसमें क्या क्या न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। जैसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये दो सब्जेक्ट ऐड हुए थे सीबीटी 2 में। और ये जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका जो भी एग्ज़ाम आप दोगे, इसमें इसके जितने भी नंबर आपके बनेंगे वो आपका फाइनल मेरिट में एक काम आएगा, क्योंकि इसी से मेरिट आपके बनाया जाएगा। और सीबीटी 2 एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 1 एग्ज़ाम में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और तभी आप सीबीटी 2 एग्ज़ाम में देंगे। तो सीबीटी 2 एग्ज़ाम देंगे तो आपका फिर उसके बाद फाइनल साइको के लिए आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एलपी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का साइको एग्ज़ाम लिया जाएगा कि सीबीटी 2 एग्ज़ाम आपके कितने आवर के होंगे और उसमें पार्ट ए पार्ट बी में क्या क्या सेक्शन है, उसमें क्या क्या सिलेबस है, उसके बारे में अभी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम आपके होंगे वो आपका 2 आवर 30 मिनट्स के एग्ज़ाम होंगे, और उसमें पार्ट ए पार्ट बी अलग अलग सेक्शन बनाया जाएगा। तो पार्ट ए में आपका सेक्शन जो रहेगा वो 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और उसमें आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। पार्ट बी का एग्ज़ाम है जो कि टेक्निकल सेक्शन है सिर्फ, और पार्ट बी में पास होना मस्ट है, क्योंकि अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो आपको वहीं से एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आपका टेक्निकल सेक्शन वाला एग्ज़ाम है और इसमें बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो भी अभी तैयारी कर रहे हो इस सेक्शन को भी इम्पोर्टेंट मानकर चलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लड़के लोग 2018 वाले वैकेंसी में मतलब उनका रिजल्ट नहीं हो पाया था इसके चलते। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट ए के बारे में कि उसमें क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या नहीं है। तो अभी आगे आपको स्लाइड में देखने को मिलेंगे कि उसमें कौन क्या क्या सिलेबस आ रहा है पार्ट ए और पार्ट बी में, और इसमें पूरा डिटेल में आपको पूरा डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहे, और जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी से पहुंचाना है आपके भाई के चैनल को मान के। और चलिए शुरू करते हैं, अभी आगे आपको स्लाइड में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो सेकेंड सीबीटी 2 एग्ज़ाम होगा उसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि कितने आवर का एग्ज़ाम है और क्या है। तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो टोटल 2 आवर 30 मिनट्स के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी अलग अलग सेक्शन बनाए जाएंगे, और आप जब एक ही बार एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा, वो सिस्टम में सेट रहेगा कि आपके मतलब 90 मिनट्स के बाद अपने आप पार्ट बी का एक सेक्शन खुल जाएगा। तो पार्ट ए में आप फिर दोबारा नहीं जा पाएंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। तो पार्ट ए में बहुत ही टाइम कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है, और इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा 90 मिनट कब पार हुए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। तो पार्ट ए के बारे में जानते हैं कि इसके एग्ज़ाम कितने घंटे के हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे और कितना नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 देखने को मिलेंगे, और इसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यूआर के लिए 40% लाना पड़ेगा, ओबीसी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% और एससी के लिए 30%। तो इसमें आपको इतने नंबर लाना ही पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, तभी आपको मतलब आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, और आपका जो मार्क्स स्कोर रहेगा पार्ट ए में उसी वही मार्क्स को लेकर के आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा पार्ट मतलब सेकेंड स्टेज के लिए, जिसका साइको एग्ज़ाम बोलते हैं। और जो टेक्नीशियन के एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनका साइको एग्ज़ाम उनको देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका फाइनल मेरिट यही एग्ज़ाम से बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि तो जानते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है जो कि पार्ट ए में आ रहा है। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस आप देख रहे हैं यहाँ पे, नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड किस्टन। तो इतने सारे सिलेबस है देख लीजिए मैथ का।
तो अभी डिस्कस करूंगा कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो भी आप स्लाइड में देख रहे हैं, तो इसका सिलेबस आप देख लीजिएगा अच्छे से कि इसमें क्या क्या कवर अप किया गया है। और मैथ और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का लगभग सिलेबस मतलब आप जो फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उसी से पूरा रिलेटेड है। तो आप इसमें ज़्यादा मेहनत पार्ट ए में अगर मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम में अगर आप कर देंगे तो आपको इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा। और आगे भी डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या सिलेबस है। तो यहाँ से आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका जितना भी सिलेबस है यहाँ दिया गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेनली क्या क्या पूछा जाएगा आपका। देखिए तो सबसे पहले प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये सारे जितने भी है जो भी इंजीनियरिंग किए होंगे उन लोगों को तो पता होगा। और आईटीआई वाले के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा नया है और इसमें आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जो भी डिप्लोमा और बीटेक वाले होंगे उन लोगों को सारा पता होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या होता है। इसके बाद आपका यूनिट्स और ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है इसमें और भी टॉपिक कवर है। देखिए यूनिट्स है, फिर मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी है, वर्क पावर है, एनर्जी है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, हीट एंड टेम्परेचर है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, लीवर्स एंड सिंपल मशीन है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, एनवायरमेंट एजुकेशन है, आईटी लिटरेसी है। तो इतना सारा सिलेबस कवर किया गया है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। और जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है आप ये मत समझिए कि ये आपका जो भी स्टेज वन के लिए आपने प्रिपरेशन किया था उसी से लिंकअप है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा इससे पूछे जाते हैं, जैसे मास, वेट एंड डेंसिटी, तो ये थोड़ा अलग है उससे सिलेबस। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको फोकस करके आप तैयारी करिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस में कवर किया गया है। तो इतने सारे सिलेबस है पार्ट ए के जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और करंट अफेयर तो आप पढ़ ही रहे होंगे अभी से। तो आइए जानते हैं पार्ट बी के बारे में, जिसमें इसका ड्यूरेशन 16 मिनट का है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है। और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, आप जितने चाहे उतने अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। और इसमें आपको 35% मतलब आपको इसमें लाना पड़ेगा तभी आप सेकेंड इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा साइको एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। कम से कम मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स 35% आपको लाना होगा। और इसमें आपका 10+2 जो भी अगर सेलेक्ट किए होंगे तो उसको भी उन लोगों को भी एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा, टेक्निकल सेक्शन इसी से पूछा जाएगा। तो आगे जानते हैं कि इसमें क्या क्या आप जो भी जैसे आप मैकेनिकल से किए हैं आईटीआई, मतलब आपका जैसे डीजल मैकेनिक्स आप आईटीआई किए हैं या फिर डिप्लोमा भी कोई मैकेनिकल सेक्शन से किए हैं, मैकेनिकल से किए हैं तो आप यहाँ पे नीचे जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसी से आप रिलेटेड एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसी से आपका जितना भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड नहीं किया जाएगा, अदर टॉपिक ऐड नहीं किया जाएगा। तो अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आगे के स्लाइड में देखिएगा। तो आप यहाँ पे अभी स्लाइड में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो जो भी इसमें बीटेक किए होंगे उन लोगों को यहाँ पे पार्ट बी के लिए यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, देख रहे कॉलम में बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ से जो भी जिस ब्रांच से आप लोग बीटेक या फिर डिप्लोमा या फिर आईटीआई किए हैं वो उस रिलेटेड से आप यहाँ से सब्जेक्ट को चुन सकते हैं और इसी से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। यही सब्जेक्ट को मेनली फोकस करके एग्ज़ाम लिया जाएगा आपको, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा सारा, कोई बाहरी क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। जैसे सपोज़ आप मैकेनिक डीजल से आईटीआई किया है तो मैकेनिक डीजल आप सेलेक्ट करते हो तो उसके बुक आप पढ़ते हो, अडियन पब्लिकेशन का बुक आता है मार्केट में, अगर उससे आप पूरा बेसिक अपना क्लियर कर लेंगे तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और यहाँ पे देख ही रहे हैं स्लाइड में, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि क्या क्या कैसे कैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा पार्ट बी के लिए। और एचएससी मतलब अगर 10+2 जो किए हैं उन लोगों को फिजिक्स या मैथ से, सिर्फ फिजिक्स या मैथ ही वाले यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, बायो वाले नहीं भर सकते हैं। तो उन लोगों को यहाँ इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक,
वायर मैन ये सब से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे आप सारा कुछ मैंने अभी डिस्कस कर दिया है पार्ट बी के रिगार्डिंग। तो आप लोग को अगर कुछ भी डाउट होता है पार्ट बी के सिलेबस के बारे में भी, या कुछ भी डाउट होता है, तो आप कमेंट करिए मेरे कमेंट बॉक्स में। और ये सिलेबस मैं डिस्कस करना चाहता था, ये पूरा कंप्लीट डिटेल में सिलेबस में बता दिया हूँ जो कि सीबीटी 2 का सिलेबस है। तो आप लोग अब तैयारी पूरा एकदम फोकस होकर करिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा सिलेबस डिस्कस कर दिया है, आपको स्लाइड में आपने देख लिया होगा कि क्या क्या कैसे कैसे एग्जाम पैटर्न है, और क्या क्या पार्ट ए पार्ट बी में सिलेबस है, और कितने नंबर लाना है, और कैसे इसकी तैयारी करना है, सारा कुछ मैंने बता दिया है। तो आप जी गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट एग्जाम है सीबीटी 2, और इसका कितना फास्ट सिलेबस है, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, और पार्ट बी का जो सिलेबस है वो बहुत नया ऐड किया गया था 2018 में। तो इसमें ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग, और अच्छा से तैयारी करिए, और आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे आपका हेल्प हो सके। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से मान के पहुँचाना है। और तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।